मुश्किलें जरूर है, लेकिन अभी ठहरा नहीं हूं मैं। मंजिलों से कह दो, अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। चेहरे पर एक प्यार सी स्माइल के साथ आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें क्या करना है, मैट्रिसेस की रैंक फाइंड करनी है। आइए करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है कोई ए मैट्रिक्स, ठीक है, इसको हम लेट करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2/4। तो इस मैट्रिक्स की मैक्सिमम पॉसिबल रैंक क्या हो सकती है, जो हमारे पास इन दोनों में क्या हो, स्मॉलेस्ट, दैट इज मिनिमम, क्या हमारे पास 2। तो हम इसके 2 ऑर्डर के माइनर चेक करेंगे, ठीक है। देखते हैं 2 ऑर्डर का माइनर हमारे पास कोई है इसका नॉन जीरो। हियर देखो 1 1 जा 1 और 9 3 जा 27, यही हमारे पास मिल गया। 1 + 27 = 28 नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगी हमारे पास, 2। इस मैट्रिक्स की रैंक हमारे पास क्या है, 2, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब बात करते हैं इसकी सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकेंड पार्ट हमारे पास है लेट ए इज इक्वल टू 0 - 1 2 4 3 1 4 2 3। मैट्रिक्स के ऑर्डर हमारे पास है 3/3। इस मैट्रिक्स की हमें फाइंड करनी है रैंक, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को हम देखते हैं। देखो हमारे पास कोई रो या कोई कॉलम मल्टीपल तो नहीं है या सेम तो नहीं है, देखते हैं। 0 4 4 यहां से 0 किसी में नहीं है। रो देखते हैं 4 3 1 4 2 3, ये भी सेम नहीं दिख रहे हमें। क्या करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं हम इसका। डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 - 1 2 4 3 1 4 2 3। अब चाहो तो यहां पे कुछ ऑपरेशन लगा के भी सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है, किसी रो में प्लस करके या कॉलम में माइनस करके आप इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं इसको। हम इसको डिटरमिनेंट निकालते हैं इसका। 0 फर्स्ट तो हमारे पास 0 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 1, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट। 4 3 जा 12 -4 1 जा 4 12 - 4 8, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्लस 2 है, ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट। 4 2 जा 6 -4 3 जा 12 6 - 12 -6, यहां से हमारे पास आया 8, यहां से हमारे पास है -12, दैट इज -4, ये क्या हमारे पास नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। थर्ड ऑर्डर का माइनर हमारे पास क्या है यहाँ पे, नॉन जीरो, ठीक है। ये हुआ हमारे पास सेकंड पार्ट। आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, आंसर देख लेते हैं इसका। फर्स्ट हमारे पास 2 है, सेकंड की रैंक हमारे पास 2 दी हुई इन्होंने, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने। 2 रैंक 0 -1 2 4 3 1 4 2 3। 0 हमने लिया यहां से, रो डिलीट, कॉलम डिलीट, 3 3 जा 9 -2 - 1, ये तो 0 हो जाएगा, -1 - +1, ये कॉलम डिलीट, रो डिलीट, 4 3 जा 12 -4 1 जा 4 12 - 4 8 +2, कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट। 4 2 जा 8 -4 3 जा 12 8 - 12, यहां पे हमारे पास क्या आएगा, 4। देखो यहां पे मिस्टेक हो गई, ठीक है, सॉरी छोटी सी मिस्टेक हो गई है। यहां पे क्या आएगा, 2 4 जा 8, यहां से आंसर हमारे पास क्या आने वाला है इसका, 0। यहां पर हमारे पास जिसका रैंक है वो क्या होगी, लेस देन 3,
इसकी रैंक हमारे पास क्या है, लेस देन 3, क्योंकि हमारे पास थर्ड ऑर्डर का माइनर क्या है यहाँ पे 0। अब बात करते हैं इसकी सेकंड ऑर्डर के माइनर की। सेकंड ऑर्डर का माइनर है हमारे पास जो क्या है नॉन जीरो, तो उठाते हैं फर्स्ट 0 -1 4 3, तो यहां से हमारे पास क्या रहेगा 0 -1 +4 1 = 4, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। हमारे पास इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है 2। थर्ड ऑर्डर का माइनर हमारे पास क्या था यहाँ पे 0 के इक्वल, और सेकंड ऑर्डर का माइनर हमारे पास क्या यहाँ पे नॉन जीरो, तो इस मैट्रिक्स की रैंक हमारे पास क्या है 2। आइए बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट हमारे पास है लेट ए इज इक्वल टू 1 3 4 5 3 9 12 9 -1 -3 -4 -3। इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करने में पहले इसका ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर क्या है इसका 1 2 3, कॉलम हमारे पास 1 2 3 4, 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसकी मैक्सिमम रैंक क्या हो सकती है जो इन दोनों का मिनिमम है 3। तुम इसका क्या करेंगे, थर्ड ऑर्डर का माइनर चेक करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 3 4 5 3 9 12 9 -1 -3 -4 -3, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कोई रो या कोई कॉलम मल्टीपल तो नहीं है, 1 -1 3 -3 4 -4 5 -3, ये तो नहीं है, 3 -1 9 -3 12 -4 9 -3, सेकंड रो एंड थर्ड रो क्या है मल्टीपल, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेकंड रो इज मल्टीपल ऑफ, रो इज मल्टीपल ऑफ थर्ड रो, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या आएगा, यहां पे जो रैंक ऑफ ए है वो क्या आएगी, लेस देन 3। सेकंड रो इज मल्टीपल ऑफ थर्ड रो, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, और माइनर ऑफ माइनस ऑफ थर्ड ऑर्डर आर 0। थर्ड ऑर्डर के माइनर हमारे पास क्या आ गया यहां पे 0, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ए क्या आ गई हमारे पास 0 के इक्वल, तो इसकी रैंक क्या होगी, लेस देन 3। अब बात करते हैं सेकंड ऑर्डर की माइनर की, 1 3 3 9 1 9 जा 9 3 3 जा 9, ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं 3 12 13 36 9 36, ये भी 0 हो गया हमारे पास, 4 9 36 12 5 60, तो हमारे पास यहां से आ गया 4 5 12 9, क्या आ गया यहां से हमारे पास आने वाला है -24 आ गया हमारे पास, ये क्या है नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसकी रैंक कितनी आएगी हमारे पास, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। हो गया सॉल्व थर्ड पार्ट। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, तो इसका आंसर देख लेते हैं। थर्ड की रैंक हमारे पास है 2। अब बात करेंगे इसके फोर्थ पार्ट की, फोर्थ पार्ट हमारे पास है लेट ए इज इक्वल टू 3 4 1 2 3 2 1 4 7 6 2 5, ये मैट्रिक्स हमारे पास है, इसकी रैंक इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास 1 2 3
थ्री बाय फोर, थ्री रोज हैं एंड फोर कॉलम्स है, ठीक है। आइए देखते हैं इसकी इसकी मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ कितनी हो सकती है, थ्री। तो थर्ड ऑर्डर का इसका माइनर चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे इसका डिटरमिनेंट, थ्री फोर वन टू, थ्री टू वन फोर, सेवन सिक्स टू फाइव। देखो इसके अंदर कोई रो कोई कॉलम मल्टीपल तो नहीं है, थ्री थ्री फोर टू वन वन टू फोर, नहीं कोई मल्टीपल। यहां पे टू फोर है, यहां पे फोर टू है, अगर ये सेम होते तो जीरो हो जाता। नेक्स्ट हमारे पास थ्री सिक्स, थ्री सेवन टू सिक्स वन टू फोर फाइव, ये भी हमारे पास क्या है, आइडेंटिकल नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑल थर्ड ऑर्डर माइनर्स आर ऑल थर्ड ऑर्डर माइनर्स आर क्या होंगे हमारे पास, थ्री फोर वन, थ्री टू वन, सेवन सिक्स टू, फोर वन टू, टू वन फोर, सिक्स टू फाइव। नेक्स्ट हमारे पास हमने क्या किया, लास्ट रो को लास्ट कॉलम डिलीट किया, उसके बाद हमने क्या किया फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, ठीक है। उसके बाद सेकंड लास्ट कॉलम डिलीट करेंगे, थ्री थ्री सेवन, फोर टू सिक्स, टू फोर फाइव। इसके बाद हम सेकंड कॉलम डिलीट करते हैं, थ्री थ्री सेवन, वन वन टू, टू फोर फाइव। हमारे पास यही बनेंगे थर्ड ऑर्डर के माइनर्स। देखो यहां पे क्या कोई नॉन जीरो है, एटलीस्ट हमें एक चाहिए। अगर एक हमारे पास मिल जाता है नॉन जीरो, तुम कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो थ्री होगी, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर यहां से, देयरफॉर थ्री फोर वन कुछ कॉमन है, सेम नहीं है, कोई मल्टीपल भी नहीं है, सिक्स टू। तो यहां से हमारे पास थ्री कॉलम डिलीट रो डिलीट, टू टू जा फोर, माइनस सिक्स वन जा सिक्स, फोर माइनस सिक्स माइनस टू, फिर माइनस फोर, माइनस फोर लेंगे दे, ये कॉलम डिलीट ये रो डिलीट, थ्री टू जा सिक्स, माइनस सेवन वन जा सेवन, सिक्स माइनस सेवन माइनस वन, प्लस वन। यहां से हमारे पास ये डिलीट और ये डिलीट, थ्री सिक्स जा एटीन, माइनस सेवन फोर जा सेवन टू जा फोर्टीन, एटीन माइनस फोर्टीन फोर। तो यहां से हमारे पास आने वाला है क्या आएगा, माइनस सिक्स प्लस फोर माइनस टू, यानी माइनस प्लस फोर प्लस फोर एट, एट माइनस सिक्स टू, ये हमारे पास आएगा। दैट इज क्या हमारे पास ये नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, देयर फोर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। ये आएगा हमारे पास थ्री माइनस टू माइनस फोर, यहां से देखो प्लस फोर, ये प्लस फोर एट, एट माइनस सिक्स टू, नॉन जीरो है। थर्ड ऑर्डर का माइनर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, नॉन जीरो, दैट इज इसकी रैंक कितनी हो गई, थ्री। आई नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास फिफ्थ, लेट ए इज इक्वल टू सिक्स वन थ्री एट, फोर टू सिक्स माइनस वन, टेन थ्री नाइन सेवन, सिक्सटीन फोर ट्वेल्व फिफ्टीन। ये मैट्रिक्स हमारे पास भी होने, हमें इसकी फाइंड करनी है रैंक। देखो इसके मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, वन टू थ्री फोर, तो इसके अंदर रोज है, वन टू थ्री फोर, फोर इसके अंदर कॉलम्स है, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो इसका हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट सिक्स वन थ्री एट, फोर टू सिक्स माइनस वन, टेन थ्री नाइन सेवन, सिक्सटीन फोर ट्वेल्व फिफ्टीन। देखो कोई रो कोई कॉलम मल्टीपल तो नहीं है, सिक्स फोर
वन टू थ्री सिक्स एट माइनस वन, ये हमारे पास मल्टीपल नहीं है। सिक्स टेन, वन थ्री, थ्री थ्री, थ्री नाइन, ये भी मल्टीपल नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, देखो कुछ ऐड करके रो चेक कर ली, कॉलम देख लेते हैं। सिक्स वन, फोर टू, टेन थ्री, ये भी नहीं है। वन थ्री, टू सिक्स, थ्री नाइन, फोर ट्वेल्व। देखो सेकंड रो, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम हमारे पास क्या मल्टीपल, वन थ्री जा, टू थ्री जा, थ्री थ्री जा, फोर थ्री जा, ठीक है। सेकंड इन थर्ड ऑर्डर माइनर्स, ठीक है, इन यहां पे क्या है, थर्ड ऑर्डर के माइनर्स आएंगे हमारे पास। इन थर्ड ऑर्डर माइनर्स सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम आर मल्टीपल, देयरफॉर या दैट इज यहां पे क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर रैंक ऑफ ए यहां से क्या आएगी हमारे पास, फोर ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो फोर से लेस आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके थर्ड ऑर्डर के माइनर्स की, थर्ड ऑर्डर का माइनर निकाल लेंगे, उसको देखते हैं। यहां पे क्या लिखा, इन थर्ड ऑर्डर माइनर्स सेकंड कॉलम एंड सॉरी थर्ड ऑर्डर का माइनर तो हम निकाल लेंगे अभी, इनडिटरमिनेंट ए, इनडिटरमिनेंट ए कॉलम सेकंड, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम आर मल्टीपल, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ए हमारे पास क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके थर्ड ऑर्डर के माइनर के, किसकी रैंक थ्री हो सकती है। को देखो यहां पे कोई ऐसा है थर्ड ऑर्डर का माइनर जो हमारे पास क्यों मल्टीपल ना हो, जो नॉन जीरो आता हो। देखो यहां से अगर हम इसकी बात करेंगे इस पार्ट की, तो मल्टीपल है, जीरो होगा, ठीक है। अगर हम इसको छोड़ देते हैं इसकी बात करते हैं तो भी जीरो होगा, इसको छोड़ देते हैं इसकी बात करते हैं हम इस पार्ट की तो भी हमारे पास क्या आएगा, ये जीरो आएगा। जीरो कैसे आएगा हमारे पास, ये सिक्स फोर टेन, थ्री सिक्स नाइन और एट माइनस वन और सेवन। चलो इसको देख लेते हैं, सिक्स वन एट फोर सिक्स माइनस वन टेन नाइन, क्या लिखा है, सिक्स फोर टेन थ्री सिक्स नाइन एट माइनस वन सेवन। अगर हम देखो इस ऑर्डर माइनर की बात करते हैं यहां पे, तो सिक्स प्लस फोर टेन, थ्री प्लस सिक्स नाइन, एट माइनस वन सेवन, क्या हो जाएगा ये आइडेंटिकल। अगर हम आर वन भी ऑपरेट करते हैं, आर वन प्लस आर टू, तो हमारे पास सेम हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड रो, ये भी क्या हो जाएगा यहां से जीरो, ठीक है। तुम लिख सकते हैं यहां पे आल्सो आल सॉरी आल्सो आल थर्ड ऑर्डर माइनर्स आर जीरो, देयरफॉर रैंक ऑफ ए लेस देन थ्री, इसकी रैंक क्या होगी, थ्री से लेस होगी। अब चेक करते हैं टू ऑर्डर के माइनर की, कोई टू ऑर्डर का माइनर ऐसा है जो नॉन जीरो बनाता हो। सिक्स वन फोर टू, सिक्स टू जा ट्वेल्व, फोर वन जा फोर, मिल गया हमारे पास। नाउ सिक्स वन फोर टू, क्या आ गया हमारे पास, ट्वेल्व माइनस फोर दैट इज एट, क्या आ गया हमारे पास, नॉट इक्वल टू जीरो, therefore rank of A is equal to 2, ठीक है। ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट की क्या हुई, रैंक। फोर्थ ऑर्डर का माइनर हमारे पास क्या हुआ, सभी जीरो है, डिटरमिनेंट इन डिटरमिनेंट ए सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम आर मल्टीपल,
दैट इज डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर रैंक ऑफ ए क्या होगी हमारे पास लेस देन फोर। ऑल्सो ऑल थर्ड ऑर्डर माइनर्स हमारे पास क्या है जीरो है, ठीक है, तो रैंक क्या होगी इसकी थ्री से भी लेस होगी। नाउ टू ऑर्डर का माइनर मिला है, इसकी रैंक हमारे पास क्या है टू है। आई बात करते हैं सिक्स पॉइंट की, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट के बाद से देख लेते हैं टू रैंक इसकी, ठीक है। अब बात करते हैं सिक्स पॉइंट की, सिक्स पॉइंट में क्या करते हैं, सिक्स पार्ट लेट ए इज इक्वल टू सिक्स फोर टेन सिक्सटीन, वन टू थ्री फोर, थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व, एट माइनस वन सेवन फिफ्टीन। मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या है फोर बाई फोर, फोर रो है और फोर ही कॉलम है। इसको देखते हैं हम क्या लिखेंगे इसका डिटरमिनेंट, सिक्स फोर टेन सिक्सटीन, वन टू थ्री फोर, थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व, एट माइनस वन सेवन फिफ्टीन। देखो यहां पर कोई रो कोई कॉलम मल्टीपल तो नहीं है, वन थ्री जा टू थ्री जा फोर थ्री जा, हमारे पास क्या है सेकंड रो एंड थर्ड रो मल्टीपल है, तो क्या होगा हमारे पास इन डिटरमिनेंट ए सेकंड रो एंड थर्ड रो आर मल्टीपल, दैट इज डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू क्या होगा जीरो, देयरफॉर रैंक ऑफ ए लेस देन फोर। फोर ऑर्डर का हमारे पास तो फोर आएगी, फोर से लेस होगी रैंक। अब चेक करते हैं इसका थर्ड ऑर्डर का माइनर, देखो थर्ड ऑर्डर का माइनर सेम, अगर हम थ्री को लेते हैं इस कॉलम को डिलीट करते हैं इस रो को डिलीट करते हैं तो हमारे पास सेम मल्टीपल आएगा, अगर इनकी बात करते हैं तो भी मल्टीपल है, इनमें से किसी एक को भी छोड़ते हैं तो भी हमारे पास क्या आता है मल्टीपल आता है, ठीक है। तो इसके थर्ड ऑर्डर के माइनर हमारे पास क्या है जीरो, ऑल्सो ऑल थर्ड ऑर्डर माइनस आर जीरो, देयरफॉर रैंक ऑफ ए लेस देन थ्री, इसकी रैंक क्या होगी थ्री से भी लेस होगी। अब चेक करते हैं टू ऑर्डर का माइनर, सिक्स फोर वन टू लेते हैं, सिक्स टू जा ट्वेल्व, फोर वन जा फोर, नाउ सिक्स फोर वन टू दैट इज ट्वेल्व माइनस फोर इज इक्वल टू एट, क्या आएगा हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो। सेकेंड ऑर्डर का माइनर हमारे पास क्या आ गया नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर रैंक ऑफ ए क्या आएगी हमारे पास टू, ठीक है। ये हमारा हुआ सिक्स पार्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है हमें सेवेंथ पार्ट, फिर सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेवेंथ पार्ट लेट ए इज इक्वल टू वन ए बी जीरो, जीरो सी डी वन, वन ए बी जीरो, जीरो सी डी वन, ये हमारे पास क्या सेवेंथ पार्ट। सोल्व करते हैं इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए, मैट्रिक्स हमारे पास किस ऑर्डर की है फोर बाई फोर की, फोर रोज है फोर कॉलम्स है, वन ए बी जीरो, जीरो सी डी वन, वन ए बी जीरो, जीरो सी डी वन। इसके अंदर चेक करते हैं कोई रो या कोई कॉलम आइडेंटिकल या मल्टीपल तो नहीं है, देखते हैं वन वन ए ए बी बी जीरो जीरो, ठीक है। इन डिटरमिनेंट ए
विटामिन डी के अंदर क्या है, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो मल्टीपल है, या फिर देखो सेकंड एंड फोर्थ, आप कोई भी लिख सकते हो, फर्स्ट एंड थर्ड रो आर मल्टीपल, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर रैंक ऑफ ए हमारे पास क्या आएगी, लेस देन फोर। ठीक है, अब थर्ड ऑर्डर का माइनस चेक करते हैं इसका, ये उठाएंगे तो भी वन ये आएगी थर्ड रो। ठीक है, अब इसको कलेक्ट करते हैं, सेकंड और फोर्थ को उठाते हैं, फर्स्ट सेकंड फोर्थ को, सेकंड एंड फोर्थ कॉमन होता है हमारे पास। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पे आल्सो ऑल थर्ड ऑर्डर माइनस आर जीरो, देयरफॉर रैंक ऑफ ए लेस देन थ्री, रैंक ऑफ ए क्या हो गया हमारे पास, लेस देन थ्री, थ्री के इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, या फिर इसको ये कह सकते दैट इज लगा के रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू थ्री, थ्री तो होगी नहीं, क्या होगी, थ्री से लेस होगी। अब टू ऑर्डर का माइनस चेक करते हैं इसका, वन ए जीरो सी, नाउ वन ए जीरो सी, तो सी माइनस जीरो दैट इज सी, ये क्या हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू टू। ठीक है, ये हुए हमारे पास फर्स्ट के सेवन पार्ट। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द रैंक ऑफ ए बी एंड ए प्लस बी, हमें ए की बी की एंड ए प्लस बी इन तीनों की रैंक फाइंड करनी है, वेयर ए हमारे पास गिवन है, क्या है ए टू माइनस थ्री, फोर माइनस वन, माइनस वन वन, फोर माइनस वन टू, एंड बी हमारे पास है वन टू वन, माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस थ्री, फाइव टेन फाइव, ये हमारे पास गिवन है, हमें फाइंड करनी है रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ बी एंड रैंक ऑफ ए प्लस बी। आई सॉल्व करते हैं इसको, हम बात करते हैं डिटरमिनेंट ए की, माइनस थ्री फोर माइनस वन वन, फोर माइनस वन टू। अब देखते हैं इसके अंदर कोई रो कोई कॉलम मल्टीपल तो नहीं है, ये किसी को ऐड करके तो नहीं बनता, देखो टू माइनस वन थ्री माइनस वन ये तो नहीं है, माइनस वन फोर माइनस वन माइनस वन वन टू ये भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये सेम तो नहीं है हमारे पास, कुछ ऐड करके कॉलम देखते हैं, टू माइनस थ्री माइनस वन टू, फोर माइनस वन वन फोर टू, ये भी हमारे पास सेम नहीं है। ठीक है, कुछ रो या कुछ कॉलम को ऐड करके बन सकता है ये, देखो अगर हम टू में से वन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वन बचेगा, माइनस थ्री में से वन सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस टू बचेगा। चलो करते हैं यहां पे ऑपरेटिंग, ऑपरेट करते हैं आर वन पे, आर वन माइनस आर टू, ठीक है आर वन माइनस आर टू करें तो यहां पे प्लस हो जाएगा ये, यहां पे फोर माइनस थ्री हो जाएगा। चलो देखते हैं आर वन में से आर टू, टू माइनस वन थ्री होगा हमारे पास, टू माइनस माइनस वन थ्री, माइनस थ्री माइनस माइनस वन तो माइनस टू होगा हमारे पास ये। ठीक है, माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू, फोर माइनस वन थ्री, यहां से कुछ बना हमारे पास, कुछ भी नहीं आ रहा यहां से, तुम इसको नहीं करते हैं। हम क्या करेंगे इसका डायरेक्ट डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, पता चल जाएगा क्या आने वाला हमारे पास, टू ये कॉलम डिलीट ये रो डिलीट, माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन दैट इज माइनस वन। ठीक है, नेक्स्ट प्लस थ्री
कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, माइनस टू माइनस फोर दैट इज माइनस सिक्स प्लस फोर, ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, माइनस माइनस प्लस वन, वन प्लस फोर दैट इज फाइव, क्या आ गया हमारे पास माइनस टू माइनस एटीन प्लस ट्वेंटी, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो, यहां पे क्या डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू थ्री, थ्री तो होगी नहीं, ठीक है, दैट इज रैंक ऑफ ए लेस देन थ्री, थ्री से लेस होगी। अब इसका सेकंड ऑर्डर कंबाइन कर, ठीक है, टू माइनस वन माइनस थ्री माइनस वन, नाउ टू माइनस थ्री माइनस वन माइनस वन, तो यहां से हमारे पास माइनस टू और यहां आए माइनस थ्री, तो क्या आएगा हमारे पास माइनस के फाइव नॉट इक्वल टू जीरो, देयर फोर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू टू, टू ऑर्डर का माइनर हमारे पास क्या आ गया नॉन जीरो, तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो हमारे पास क्या होगी टू, ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए के लिए हुआ। इसी प्रकार से मैट्रिक्स बी की बात करते हैं, डिटरमिनेंट बी वन टू वन माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस थ्री फाइव टेन फाइव, देखो कोई रो कोई कॉलम मल्टीपल तो नहीं है, वन फाइव जा टू फाइव जा वन फाइव जा, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आर मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल है ये रो, यहां पे क्या आएगा डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू थ्री, दैट इज रैंक ऑफ ए लेस देन थ्री, थ्री से लेस आएगी इसकी रैंक, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड ऑर्डर कंबाइनर की, वन सिक्स माइनस सिक्स यहां से प्लस सिक्स ये जीरो होगा, टू माइनस थ्री जा माइनस सिक्स यहां से प्लस सिक्स ये भी जीरो होगा हमारे पास, वन टेन फाइव टू ये भी जीरो है, टू फाइव टेन और ये भी हमारे पास जीरो आता है, कोई है ऐसा नॉन जीरो माइनर इसका, देखते हैं माइनस सिक्स की फाइव से करेंगे माइनस थर्टी यहां से प्लस थर्टी माइनस थर्टी प्लस थर्टी, कोई भी यहां पे क्या है नॉन जीरो माइनर नहीं आता। ऑल्सो ऑल सेकंड ऑर्डर माइनर्स आर जीरो, देयरफॉर रैंक ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू टू, दैट इज रैंक ऑफ ए लेस देन टू, एंड देखो मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू वन, सॉरी रैंक ऑफ बी, बी की बात करें मैट्रिक्स बी, यहां पे बी लिखेंगे, ठीक है, यहां पर हमारे पास बी आएगा, यहां पर बी आएगा क्योंकि मैट्रिक्स बी की बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी की रैंक हमारे पास कितनी है वन है, और मैट्रिक्स ए की रैंक हमारे पास कितनी आई है टू आई है, ठीक है, इनको चेक कर लेते हैं एक बार, इसकी रैंक टू वन, ठीक है, और रैंक ऑफ ए प्लस बी क्यों निकालते हैं हम, रैंक ए हमारे पास टू है, रैंक बी हमारे पास वन है, अब निकालेंगे रैंक ऑफ ए प्लस बी, तो सबसे पहले हम ए प्लस बी करते हैं, ऐड करेंगे टू वन थ्री माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन फोर प्लस वन फाइव माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर माइनस वन माइनस सिक्स माइनस सेवन वन माइनस थ्री माइनस टू फोर फाइव प्लस फाइव नाइन माइनस वन टेन नाइन टू फाइव सेवन, ठीक है, नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी थ्री माइनस वन फाइव माइनस फोर माइनस सेवन माइनस टू नाइन नाइन सेवन, देखो यहां पर कोई रो कोई कॉलम मल्टीपल तो नहीं, थ्री थ्री जा माइनस वन नाइन फाइव सेवन थ्री फोर
ये हमारे पास मल्टीपल नहीं है, कॉलम भी हमारे पास मल्टीपल नहीं है, डिटरमिनेंट निकालते हैं इसका। थ्री कॉमन हमारे थ्री, ये डिलीट, बचा क्या 49, यहां से बचेगा हमारे पास प्लस 18, प्लस 1 28, यहां से 9 टू जा 18, यही है सेकंड कॉलम सेकंड रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सॉरी 28 और ये 18, यहां से प्लस 5, क्या आएगा हमारे पास कॉलम डिलीट रो डिलीट 49 जा 36, 97 जा 63, यहां से हमारे पास क्या आने वाला है 1 3 31, और यहां से हमारे पास माइनस 10 और यहां से हमारे पास 63 है, तो 13 7 6 5 3 2, ठीक है हमारे पास ये आने वाला है। अब देखो यहां से क्या दोनों तीनों माइनस में है तो इट मीन्स क्या हो गया नॉन जीरो है, फिर भी लिख लेते हैं 3 माइनस माइनस 10 माइनस 5 35 5 10 3 13, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे नॉन जीरो है, ठीक है नॉन जीरो है, तो देयर फोर रैंक ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास ए प्लस बी की रैंक आ गई कितनी 3। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, भाई थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन का अच्छा क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू 1 1 1, ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए बी सी ऑल रियल, ये हमारे पास क्या है रियल नंबर्स, हमें फाइंड करनी है इसकी रैंक, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है जहां पर ए बी सी क्या हमारे पास रियल नंबर, हमें क्या करना है इसकी रैंक फाइंड करनी है। आइए देखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 1 1, ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, देखो यहां पर हमारे पास कोई मल्टीपल तो नहीं, कोई रो में कोई कॉलम में कोई भी मल्टीपल नहीं है, यहां पर हम क्या करेंगे ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है ऑपरेट करेंगे, तो सी टू पे ऑपरेट करते हैं, सी टू माइनस सी वन, सी थ्री ऑपरेट करते हैं, सी थ्री माइनस सी टू करो, चलो सी थ्री माइनस सी वन कर लेते हैं इसको, ठीक है सी टू माइनस सी वन, सी थ्री माइनस सी वन, ऑपरेशन दो पे है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 ए ए क्यूब सी टू माइनस सी वन, 1 माइनस 1 0, बी माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब 0, यहां पे सी माइनस ए सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ये हमारे पास आ गया। अब यहां से क्या आएगा बी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस ए, इसको लिख लेते हैं 1 0 0 ए बी माइनस ए इंटू बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए बी, यहां से ए क्यूब सुन ये ऊपर लिखा गया ये नीचे आएगा इसमें बी माइनस ए इंटू बी क्यूब बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए बी, सेम यहां पर 0 सी माइनस ए सी माइनस ए सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी ए, सेकेंड कॉलम से बी माइनस ए थर्ड कॉलम से सी माइनस ए कॉमन, बचेगा क्या हमारे पास 1 ए ए क्यूब 0 1
बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए बी, यहां से 0 1 सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए बी, ये हमारे पास आ गया। दो कॉलम के हमारे पास जीरो के फर्स्ट मेंबर्स, फर्स्ट रो के अंदर सेकंड एंड थर्ड पोजीशन जीरो है, तो यहां से एक्सपेंड करना इजी हो जाएगा। ठीक है, नाउ एक्सपेंडिंग, अलोंग फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के अलोंग क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, बी माइनस सी, सी माइनस सी, ये एज इज, बी माइनस ए, सी माइनस ए। यहां पर हमारे पास ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, इसकी मल्टीप्लाई माइनस सी ए, तो सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए बी, ये हमारे पास बचा। यहां से डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू बी माइनस ए, सी माइनस ए, देखो ए स्क्वेयर माइनस प्लस कैंसिल, हमारे पास यहां से सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है, ये प्लस ए बी, सॉरी यहां पर क्या है, किसके बाद कह रहे हम सी ए की, यहां पर सी आएगा, ठीक है, यहां पे ए बी है। अब सी ए और ए बी में से कॉमन क्या है, ए प्लस ए कॉमन सी माइनस बी, तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा, बी माइनस ए सी माइनस ए, इसको ले सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी अप्लाई करके, सी माइनस बी सी प्लस बी प्लस ए सी माइनस बी, तो यहां से हमारे पास आएगा बी माइनस ए सी माइनस ए और सी माइनस बी कॉमन, अंदर क्या बचा, सी प्लस बी प्लस ए, यहां से इसको माइनस कॉमन निकालें हम यहां से, तो क्या आएगा ए माइनस बी, इसमें निकालेंगे तो बी माइनस सी, और यहां से सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए प्लस बी, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। यहां पे लगेगा हम केस, ठीक है, क्योंकि ए बी सी हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स, हमें नहीं पता इनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, आइए इन पे केस अप्लाई करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं, इसको रेज करता हूं, इसको कंप्लीट को यहां लिख लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, हमारे पास क्या है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हमारे पास डिटरमिनेंट ए की वैल्यू। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट यहां पे अप्लाई होते हैं हमारे पास केस, केस फर्स्ट, अगर ए बी सी ये सभी के सभी क्या हो जाए, डिफरेंट, सेम ना हो, ठीक है, इफ ए बी सी ऑल आर डिफरेंट एंड ए प्लस बी प्लस सी इनका जो सम है वो हमारे पास क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल ना आए, ये डिफरेंट होंगे, ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो यहां से आंसर क्या आएगा, नॉन जीरो, नॉन जीरो आएगा, इट मींस रैंक ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगी यहां पे, 3। ठीक है, किस सेकंड की बात करते हैं, अगर हमारे पास ए बी सी ये तीनों क्या हो जाए, सेम, अगर तीनों सेम हो जाए हमारे पास और ए प्लस बी प्लस सी क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, आइए देखते हैं, इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो, देन ए बी से हमारे पास क्या हो, सेम हो, आइए पुट करते हैं यहां पे, 1 1 1 ए ए ए ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब,
तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, जिसकी रैंक आने वाली है वो क्या आएगी, देखो ये उठाएंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास, जीरो, ए माइनस ए जीरो आ गया हमारे पास। यहां से उठाएंगे तो जीरो आएगा हमारे पास। अगर हम इसको उठाते हैं ए ए क्यूब दैट इज ए फोर माइनस ए फोर, ये भी क्या होगा हमारे पास, जीरो। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आने वाला है, सेकंड ऑर्डर का माइनर क्या होगा यहां पे, जीरो। रैंक ऑफ ए यहां पे क्या होगी हमारे पास, वन के इक्वल, टू के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर का माइनर क्या है यहां पे, जीरो, बिकॉज ऑल सेकंड ऑर्डर माइनर्स आर जीरो। ठीक है, एक केस हमारे पास ही हो गया। अब थर्ड केस की बात करते हैं, केस थर्ड, केस थर्ड के अंदर क्या हो जाए हमारे पास, अगर ये सभी के सभी क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है, और ये जीरो के इक्वल हो जाए, इफ ए बी सी ऑल आर डिफरेंट एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास जीरो के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर का माइनर तो हमारे पास जीरो हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर का माइनर तो यहां से उठाएंगे, ये डिफरेंट है तो बी माइनस ए, तो यहां से क्या आएगी, वन वन ए बी दैट इज बी माइनस ए, देयरफॉर रैंक ऑफ ए यहां से क्या आएगी हमारे पास, टू। रैंक ऑफ थ्री आएगी हमारे पास कब, अगर ए बी से क्या हो, डिफरेंट हो, और ए प्लस बी प्लस सी क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, सेकंड केस अगर ये तीनों क्या हो जाए, सेम हो जाए एंड ये हमारे पास क्या हो, नॉन जीरो, तो रैंक हमारे पास क्या आती है यहाँ पे, वन, क्योंकि सेकंड ऑर्डर के माइनस से भी क्या हमारे पास, जीरो। अगर ये डिफरेंट हो एंड अब ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए तो क्या आएगा हमारे पास, ये डिफरेंट है तो यहां से सेकंड ऑर्डर का माइनर आ जाएगा हमारे पास, बी माइनस ए, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू टू, हमारे पास यहाँ पे केसेस रज हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन फिनिश है यहाँ पे। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, हमें इसकी रैंक बतानी थी, हाईएस्ट रैंक थ्री हो सकती है इसकी और फिर टू वन। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ए इज नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स, ए इज नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स एंड बी इज ए नॉन जीरो रो मैट्रिक्स, शो दैट रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू वन, हमें ये शो करना है। अगर ए हमारे पास नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स है एंड बी हमारे पास नॉन जीरो रो मैट्रिक्स है, शो करो कि जो रैंक आएगी ए और बी की, ए बी की, वो क्या आएगी, वन आएगी। आइए शो करते हैं इसको, लेट क्या कहा इन्होंने, ए कॉलम मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू हमारे पास कोई कॉलम मैट्रिक्स लेते हैं, ए वन वन, ए टू वन, ए थ्री वन, अब तो यहां पे ए एम वन ये मान लेते हैं, एंड कोई बी मैट्रिक्स हमारे पास है, ये मैट्रिक्स कैसी है, रो मैट्रिक्स है, तो ए इसको ए लिखे यहां पे बी से नोट कर देते हैं, बी वन वन, बी वन टू, बी वन थ्री, अप टू बी वन एन। ठीक है, ये हमारे पास हो गई ए मैट्रिक्स, हमने जूम कर ली ए वन वन, ए टू वन, ए थ्री वन, अप टू ए एम वन, एंड बी मैट्रिक्स हमने जूम कर ली बी वन वन, बी वन टू, बी वन थ्री, अप टू बी वन एन। अब निकालेंगे हम इनकी प्रोडक्ट, ए बी, जो ए बी मैट्रिक्स हमारे पास आने वाली है
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए वन वन बी वन वन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ए वन वन बी वन टू, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ए वन वन बी वन थ्री अप टू फर्स्ट रो लास्ट कॉलम ए वन वन बी वन एन, ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ए टू वन बी वन वन ए टू वन बी वन टू ए टू वन बी वन थ्री अप टू ए टू वन बी वन एन। इसी टाइप से हमारे पास ए थ्री का आ जाएगा, ए फोर का आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब लास्ट की बात करते हैं, ए एम वन बी वन वन, ए एम वन बी वन टू, ऐसे हमारे पास ए एम वन बी वन एन, ठीक है। ये मैट्रिक्स हमारे पास बनकर तैयार हो गई ए बी। अब बात करेंगे इसकी रैंक की, इसकी रैंक क्या आने वाली है। ए नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स है एंड बी नॉन जीरो रो मैट्रिक्स है, शो करना हमें कि रो क्या है, जिसकी रैंक आएगी ए बी की वो क्या होगी, वन होगी, ठीक है। तो हमारे पास ए बी आ गई, जो ए बी मैट्रिक्स हमारे पास आई है ये कैसे हुई आई हमारे पास, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करके, ठीक है। गिवन हमारे पास क्या है, ए एंड बी नॉन जीरो है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। फिर हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है एज नॉन जीरो एंड बी इज नॉन जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। देयरफॉर देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो नॉन जीरो because it is formed by multiplication of corresponding elements, therefore वन ऑर्डर माइनस आर नॉन जीरो एंड ऑल सेकेंड एंड हाइयर ऑर्डर माइनस आर जीरो, ठीक है। देयरफॉर रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गई रैंक ऑफ ए बी वन आ गई। क्यों, ए मैट्रिक्स हमारे पास नॉन जीरो है, बी मैट्रिक्स में हमारे पास नॉन जीरो है, तो जो ए बी मैट्रिक्स आई है वो नॉन जीरो एलिमेंट की मल्टीप्लाई करके आई है, तो फर्स्ट ऑर्डर का जो माइनर होगा हमारे पास वो क्या होगा, नॉन जीरो। जो ऑल सेकेंड थर्ड ऑर्डर हायर ऑर्डर के माइनर होंगे वे हमारे पास क्या होंगे, जीरो। विद जीरो कैसे होंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल समझाता हूँ यहाँ पे, ए हमारे पास क्या कॉलम मैट्रिक्स है मान लीजिए वन टू थ्री, एंड बी हमारे पास कोई माइनस वन माइनस वन टू, ये मैट्रिक्स हमारे पास, तो जो ए बी आएगी हमारे पास वन माइनस वन माइनस वन टू माइनस टू माइनस टू फोर माइनस थ्री माइनस थ्री सिक्स। अब देखो यहां पे सेकंड ऑर्डर का माइनर सेम है जीरो, यहां पे वन टू जा टू टू जा जीरो, सेकंड ऑर्डर का जीरो एंड थर्ड ऑर्डर का भी सेम हमारे पास वन और थ्री इक्वल कॉमन, ये भी मल्टीपल है ये भी मल्टीपल है, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर के एंड हायर ऑर्डर के माइनर्स हमारे पास क्या हुए यहां पे जीरो। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन,
इफ ए इज एन स्क्वेयर मैट्रिक्स, ऑफ रैंक एन माइनस वन, सो दैट एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, नॉन जीरो। ए हमारे पास एक एन ऑर्डर की स्क्वेयर मैट्रिक्स है जिसकी रैंक एन माइनस वन है, सो करना है हमें एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, करते हैं इसको प्रूफ। सिंस ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, क्यों? क्योंकि इसकी रैंक एन माइनस वन है, एन ऑर्डर का जीरो होगा, दैट इज डिटरमिनेंट ए हमारे पास क्या है यहां पे, जीरो है। ऑल्सो ऑल एन माइनस वन ऑर्डर माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए आर नॉन जीरो। ए कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट इज डिटरमिनेंट ए क्या है, नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तभी तो उसकी रैंक एन माइनस वन है, अदरवाइज रैंक इसकी कितनी होती, एन होती, एन ऑर्डर की है। ऑल्सो ऑल एन माइनस वन ऑर्डर माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर नॉन जीरो, ये माइनर्स हमारे पास क्या है, नॉन जीरो है। इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, नॉन जीरो है। इट मीन्स एट लीस्ट वन एन माइनस वन ऑर्डर माइनस क्या होगा हमारे पास, एट लीस्ट वन क्या होगा, नॉन जीरो होगा, माइनर और नॉन जीरो। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ माइनर्स एन माइनस वन ऑर्डर माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इन कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट ए और नॉन जीरो, ये हमारे पास क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, ये नॉन जीरो हैं, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। एडजॉइंट ए हमारे पास क्या होगा, नॉन जीरो, और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पे कहना क्या चाहता है कि ए जो मैट्रिक्स है वो कैसे सिंगुलर है, ठीक है, दैट इज डिटरमिनेंट उसका क्या है, जीरो के इक्वल है। उसका एन माइनस वन ऑर्डर का जो माइनर होंगे वे हमारे पास क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, एटलीस्ट वन नॉन जीरो उनके अंदर, ठीक है। एटलीस्ट जब वन नॉन जीरो है तो उन्हीं नॉन जीरो माइनर से हमारे पास क्या आता है, कोफैक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ एन माइनस वन ऑर्डर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए इन कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट ए और नॉन जीरो, ये क्या होंगे हमारे पास, नॉन जीरो होंगे, तो देयरफॉर एडजॉइंट ए क्या आएगा हमारे पास, नॉन जीरो आएगा, और एडजॉइंट ए क्या है, नॉन जीरो, देयरफॉर क्या हमारे पास, इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, इससे पहले लिख लेते हैं गिवन, इस यहीं पे लिख लेते हैं गिवन क्या है, रैंक ऑफ ए इज एन माइनस वन, देयरफॉर एडजॉइंट ए इज नॉन जीरो और एडजॉइंट ए नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।